Hello guys, so today I am here with today's reading explanation. It is about the MCQs, FLUPS and title, the title of the passage. So if you want more kind of these readings, kindly check my Facebook and Instagram because I post all my readings over there. So not wasting enough time, let's start. So first of all, what we always do is we have to read the whole, the first heading. It is about ships carrier above water. So it means that it is totally about the ships. So we have to find out all the questions about the ships. That is the only thing which we have to keep in mind. So next, what we have to do is we have to just skip all the content and move to the question. So for, as you can see, there are MCQs. First, the 1 to 4 are the MCQs and we have to deal with that. We have no other option. So always find out the keywords. Then the first keyword is ships for specialized missions are used. जो कि specialized missions हैं, ships उनमें कैसे use होती है? In support of defense, defense के लिए, goods carry करने के लिए, carrying passengers, mainly in fields of defense, research and fishing. So let's see, go to the first page and start reading. A ship is a large watercraft that travels the world's oceans and other sufficiently deep waterways carrying goods or passengers. Goods or passengers दोनों को ही आने ले जाने के लिए carry करने के लिए ships का use होता है और ये goods भी हैं और passengers भी हैं. So हमारे जो answer थे options B और C ये नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों का use होता है. So we are not applying the options over here. Okay, we are not applying the B and C over here. और एक बात यहाँ पर specialized missions की बात है, तो हमें specialized missions जो हैं वो find out करना पड़ेगा. और in support of specialized missions, okay, we got the keyword specialized missions such as defense, research and fishing. So इसकी support के लिए, defense के लिए भी और research में भी और fishing में भी स्पेशलाइज्ड मिशंस में जो शिप्स हैं उनका यूज़ होता है. सो लेट्स सी क्या कौन से ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. इन सपोर्ट ऑफ डिफेंस नहीं, रिसर्च और फिशिंग का भी पार्ट दिया हुआ है. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द करेक्ट वन इज डी. द फर्स्ट आंसर इज डी. सेकेंड, शिप्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोट्स इन टर्म्स ऑफ वॉट, मेनली साइज एंड शेप, मेनली शेप एंड कलर, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. ओके, देखते हैं. सो डिस्टिंक्ट मतलब उनसे अलग कैसे है, ships जो हैं वो boat से किन terms में अलग हैं, size और shape में हैं, shape और color में हैं, none of the above हैं या all of the above हैं, देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अगेन गो टू द फर्स्ट पेज. सो ओके, वी गॉट द वर्ड ships, वी गॉट द वर्ड boats, वी गॉट द वर्ड्स साइज, शेप, लोड कैपेसिटी, ट्रेडिशन. ओके, ट्रेडिशन और लोड कैपेसिटी ये दोनों ही कलर्स नहीं होंगे और हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मेनली शेप एंड कलर. सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. ओके, सो नेक्स्ट, साइज एंड शेप. सो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कलर के बारे में बात ही नहीं हुई. सो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. सो मेनली साइज एंड शेप, नन ऑफ द अबव. गो टू द फर्स्ट पेज एंड देयर इट इज रिटन, शिप्स आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बोट्स बेस्ड ऑन साइज शेप. सो मेनली उनका जो डिफरेंस है वो होता है साइज और शेप से. सो साइज और शेप मेन है हमारे पास. सो आवर आंसर इज ए या फर्स्ट. ओके, सो आवर आंसर इज ए बिकॉज जो साइज है वो मेन है और शेप जो है वो मेन है. नेक्स्ट, थर्ड को, द टोटल नंबर ऑफ वॉरशिप्स इन 2002 में टोटल नंबर ऑफ वॉरशिप्स कितने थे, नोट नॉन एक्यूरेटली उनके बारे में पता ही नहीं है. 1240 इंक्लूडिंग स्मॉल वेसल्स, 1240 एक्सक्लूडिंग स्मॉल बोट. सो वेसल्स और बोट दोनों का मतलब सेम होता है. ओके, वेट 3 मिलियन टन्स. 2002 में जितने भी टोटल नंबर ऑफ वॉरशिप थे उनका टोटल वेट जो है वो 3 मिलियन टन्स है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो हमें यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है वो है 2002 और दूसरा कीवर्ड है वॉरशिप्स. ठीक है, सो लेट्स सी वॉरशिप्स और 2002. ऑलराइट, सो वी गॉट द वर्ड ओवर हियर 2002 और कहीं देख लेते हैं, कहीं पर 2002 तो नहीं लिखा हुआ. 2016,
ओके सो फर्स्ट पेज पर नहीं है, सेकंड पेज पर नहीं है, थर्ड पेज पर भी नहीं है, फोर्थ पर है. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके, देयर वर्ड 1240 वॉरशिप्स ओके ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 1240 वॉरशिप्स थे 2002 में, नॉट काउंटिंग स्मॉल वेसल्स सच एज पेट्रोल बोट. नॉट काउंटिंग, काउंटिंग मीन्स कि जो स्मॉल वेसल्स थे उनको काउंट नहीं किया गया, जैसे कि पेट्रोल वेसल्स. पेट्रोल वेसल्स जो कि हम कह सकते हैं जैसे शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च करती है, वैसे ही समुंदर में उनको पेट्रोल बोट्स बोलते हैं जो कि फ्लैग मार्च करते हैं या वैसे सिक्योरिटी के लिए होते हैं. इसमें जो है नॉट नोन एक्यूरेटली तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 1240 हमें मिल गया था. सो वो था एक्सक्लूडिंग स्मॉल बोट्स, इंक्लूडिंग वाला ऑप्शन रॉन्ग है. अभी डी देख लेते हैं, 3 मिलियन टन्स लिखा भी हुआ है या नहीं. ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंटेड फॉर 3 मिलियन टन्स वर्थ ऑफ दीज वेसल्स. यूएस में वो 3 मिलियन टन्स के वेसल्स थे जो हम कह सकते हैं कि जो वेसल्स थे, जो बोट्स थे, जो शिप्स थे, उनका टोटल वेट 3 मिलियन टन्स था जस्ट फॉर द यूएस, यूएस नेवी का. तो हमारा जो आंसर जो ऑप्शन है डी वो भी इनकरेक्ट है, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा सी, थर्ड का सी. फोर्थ, नाउ डेज कमर्शियल शिप्स आर ड्रिवन बाय. कमर्शियल शिप्स जो हैं उन्हें कैसे चलाया जाता है. सिंगल प्रोपेलर डीजल एंड गैसोलीन इंजन. सिंगल प्रोपेलर है ठीक है, एक नीचे पंखा लगा होता है जिससे कि वो पानी को जब रोटेट करें तो पानी के प्रेशर की वजह से या उसकी वेलोसिटी की वजह से शिप जो है वो आगे की ओर ट्रेवल करता है. सो सिंगल प्रोपेलर डीजल एंड गैसोलीन इंजन. ओके, सिंगल प्रोपेलर न्यूक्लियर पावर्ड इंजन, न्यूक्लियर एनर्जी से पावर किया हुआ इंजन. डुअल प्रोपेलर डीजल इंजन, दो प्रोपेलर लगे होंगे डीजल इंजन. सिंगल प्रोपेलर रन बाय बोथ डीजल एंड गैसोलीन इंजन. सो फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है कि सिंगल प्रोपेलर जो है वो डीजल इंजन से भी चल सकता है और गैसोलीन इंजन से भी चल सकता है, लेकिन इन दोनों को ये नहीं बताया हुआ कि ये दोनों एक ही शिप में हैं या अलग अलग हैं. लेकिन डी में ये बताया हुआ है सिंगल प्रोपेलर रन बाय बोथ डीजल एंड गैसोलीन इंजन. तो एक ही शिप में दो इंजन होंगे, एक डीजल वाला, एक पेट्रोल वाला या गैसोलीन वाला. देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है ये. हमें जो आंसर मिला था लास्ट वो यहीं पर मिला था, तो हम इसके आगे जाएंगे. ओके सो लेट सी कहाँ पर हमें मिलता है ये. सो नेक्स्ट पेज ओके, वी गॉट द वर्ड. मॉडर्न कमर्शियल वेसल्स आर टिपिकली पावर्ड बाय अ सिंगल प्रोपेलर ड्रिवन बाय अ डीजल और लेस यूजली गैस टरबाइन इंजन, बट अंटिल द मिड 19th सेंचुरी दे वर प्रीडोमिनेटली स्क्वायर सेल रिग्ड. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डीजल और गैस टरबाइन या गैसोलीन. इस गैस टरबाइन को गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल प्रोपेलर है तो हमारे जितने ऑप्शंस थे डुअल वाले जो कि सी है वो गलत है. न्यूक्लियर पावर के बारे में नहीं बताया हुआ तो ये भी गलत हो गया. तो हमारे पास बचते हैं ए और डी. बोथ के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया. हमारे पास सिर्फ यही दिया हुआ है कि जो सिंगल प्रोपेलर डीजल और कुछ वेसल्स में बहुत कम नंबर है उनमें गैसोलीन इंजन का यूज़ होता है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ए. ओके, फोर्थ का आएगा ए. फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ ए. ओके सो नाउ वी हैव द वर्ड्स एंड सॉरी द फिल इन द ब्लैंक्स. नो मोर देन 3 वर्ड इज द मेन कंडीशन फॉर दिस. ओके सो कीप दिस थिंग इन माइंड. शिप्स स्टे डैश लॉन्गर पीरियड इन द साउथ इन द सी देन बोट्स. ओके, शिप्स जो हैं वो लॉन्गर पीरियड रहते हैं सी में देन बोट्स. सो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं. मेनली ये जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव सेंटेंस है, सो आंसर कैन बी कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये होने के चांसेस हैं. देखते हैं क्या है. ओके इसमें हमें लास्ट ऑप्शन हमें यही मिलता है, लास्ट वाले आंसर यही मिले थे, लेकिन ये फिलअप्स हैं सो ये स्टार्टिंग से भी हो सकते हैं क्योंकि ये पेज लास्ट एंड आ गया है, इसीलिए हमें इसे शुरू से पढ़ना पड़ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को फिर से रीड करो.
ओके सो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो हैं ships stay longer period in the sea, sea boats ships longer period, इन सभी को हमें फाइंड आउट करना होगा. ओके दिस इज द फर्स्ट पेज. सो फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आंसर. सो सेकंड देखेंगे. ships have been important. colonization 15th century. नहीं फर्स्ट पेज पर नहीं है. टोटलिंग फर्स्ट पैराग्राफ में भी नहीं है. सेकंड के ओके वी गॉट द वर्ड. ships generally can remain at sea for longer periods of time than boats. so हमारे पास यहाँ पर कोई भी ग्रेट कीवर्ड नहीं है. जनरली के होने के चांसेस हैं. देखते हैं इसका अगर ग्रामेटिकली ये करेक्ट हुआ तो हम यही आंसर लगाएंगे. ships stay generally longer period in the sea than boats. so generally longer period in the sea than boats. I don't think so कि ये करेक्ट आएगा. ships generally can remain generally. ships से sorry ships के तुरंत बाद अगर generally आता है तो ये एक सेंटेंस करेक्ट बनेगा. लेकिन अगर generally can remain के बाद आएगा तो आंसर गलत है. so the correct answer I would go for is comparatively and relatively. okay if you have put in the generally then it is wrong. so ये था थोड़ा सा tricky question. ठीक है comparatively भी आएगा और relatively भी आएगा. next sixth. the size of world's fishing fleet is dash. world fishing fleet ये हमारा main keyword है तो हमें इसी को find out करना पड़ेगा. world's fishing fleet. ओके सो लास्ट हमने यहाँ पर छोड़ा था. सो देखते हैं. फिशिंग फ्लीट नहीं यहाँ पर नहीं है. फिशिंग फ्लीट फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है. नंबर ऑफ इसमें भी नहीं है. कमर्शियल यहाँ पर होने के चांसेस हैं. फर्स्ट पैरा में नहीं है. ओके और यहाँ पर भी नहीं है. ओके सो ये रहे हमारे कीवर्ड्स. द साइज ऑफ द वर्ल्ड्स फिशिंग फ्लीट इज मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट. जो वर्ल्ड की फिशिंग फ्लीट का जो साइज है उसे बताना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. उसे एस्टिमेट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो एक लाइन और पढ़ते हैं. द लार्जेस्ट ऑफ दीज आर काउंटेड एज कमर्शियल वेसल्स बट द स्मॉलेस्ट आर लीजियन. Fishing vessels can be found in most seaside villages in the world. So, as of 2004, the UNFAO or Food or Agriculture Organization estimated 4 million fishing vessels were operating worldwide. So, उन्होंने 2004 में जो है अंदाजा लगाया था, estimate किया था. लेकिन जो हमारा main है world fishing fleet, the size. So, हमें ज़्यादातर जो keywords हैं वो first line में मिले हैं. So, my answer would be difficult to estimate. Okay, so the sixth is difficult to estimate. अगर यहाँ पर was होता तो हम लगा सकते थे कि ये FAO की वजह से ये 4 million ये हम लगा सकते. लेकिन वो is है, present में है. So हम present में ही चलेंगे. The size of world's fishing fleet is more difficult to estimate. The size of world's fishing fleet is difficult to estimate. थ्री वर्ड्स हैं तो हम difficult to estimate लगा सकते हैं. नेक्स्ट सेवन्थ. देयर वर डैश नंबर ऑफ फिशिंग बोट्स इन 2004 आ गया. सो हमारे पास यहाँ पर लगाने के लिए ऑप्शन है नंबर ऑफ फिशिंग बोट्स कितनी दी हुई है हमें. 4 million. ठीक है 2004 भी है. एज ऑफ 2004 द UNFAO एस्टिमेटेड 4 million फिशिंग वेसल्स वर ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड. सो आवर आंसर वुड बी 4 million. बट देर इज़ अ कैच. और वो क्या है इसका जो आंसर आएगा वो अगर आप ऐसे लगाओगे 4 million तो वो होगा आपका आंसर रॉन्ग. क्योंकि जो मेन हमारे पास लिमिट दी हुई है वो है नो मोर देन 3 words. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 4 million ऐसे वर्ड्स में ना कि नंबर में. अगर किसी ने नंबर डाला है तो उसका आंसर इनकरेक्ट है. ओके नेक्स्ट. देयर वर डैश नंबर ऑफ फिशिंग बोट्स इन 2004. ये तो हो ही गया सोच. हल्स आर मेड ऑफ डैश डैश एंड डैश.
हल क्या होता है? हल जो बोट का निचला हिस्सा होता है उसे हल कहते हैं, जहाँ पर इंजन होता है और जो कुछ भी स्टोरेज रूम लगा लो, कोई भी और रूम्स जो बने होते हैं स्टोरेज के लिए, किचन वगैरह, वो सारे के सारे वो हल के अंदर ही होते हैं। जो आउटर बॉडी होती है शिप की ब्लो वाली, उसे हल कहते हैं, जो पानी के साथ लगी होती है या पानी में सबमर्ज होती है उसे कहते हैं हल। सो हल्स आर मेड ऑफ व्हाट? तीन डिफरेंट हमें ऑप्शंस दिए हैं, सो थ्री डिफरेंट आंसर्स आएंगे, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, लास्ट हमें यहीं पर आंसर मिल गया, ठीक है। हल्स आर यूजली मेड ऑफ स्टील, ऑल अल्यूमिनियम कैन बी यूज ऑन फर्स्टक्राफ्ट एंड फाइबर ग्लास ऑन द स्मॉलेस्ट सर्विस वेसल। लेकिन अब हम आंसर कौन कौन से लगाएंगे, मटेरियल कौन कौन से हैं, ये आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि मटेरियल कौन से हैं। एक तो है स्टील, एक है एलुमिनियम, एलुमिनियम नॉट एलुमिनियम, इट इज़ एलुमिनियम। ओके, एक तो आ गया स्टील और तीसरा है फाइबर ग्लास। ये तीन मटेरियल हैं हमारे, यही तीनों आंसर आएंगे, स्टील, एल्यूमिनियम एंड फाइबर ग्लास। अगर किसी ने एंड वर्ड यूज़ किया तो वो गलत है जी, ठीक है, बिकॉज हमारे पास थ्री वर्ड्स की लिमिट है। सो द आंसर वुड बी हल्स आर मेड ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम एंड फाइबर ग्लास। सॉरी, एंड नहीं आएगा, स्टील, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास, दैट्स इट। सो एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। चूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। सो इसका सबसे बढ़िया टाइटल क्या आएगा, कमर्शियल वेसल्स और बोट्स आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर नेवी की भी बात हुई और नेवी जो है वो कमर्शियल वेसल में नहीं आती। हिस्ट्री ऑफ शिप्स एंड बोट्स, नहीं, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर मॉडर्न जो है फिशिंग वेसल्स उनकी बात हुई है। सो हमारा ये आंसर भी नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये दोनों तो गए, बाय बाय, और बचे शिप्स एंड बोट्स, और शिप्स एंड बोट्स बोट्स हिस्ट्री एंड टुडे सारा। सो हमें यहाँ पर सिर्फ शिप्स और बोट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताया और प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी बताया। सो मैं ये भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मेरे पास हिस्ट्री भी है, मेरे पास आज की इंफॉर्मेशन भी है। सो दैट इज़ वाई आई वुड गो फॉर ए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द लास्ट क्वेश्चन इज ए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, और मैं आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप अगर आपको किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी, यू नो लाइक क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं वो नीचे लिंक में दिए हुए हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।